चेतावनी, वार्निंग, इस वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा पागलपन है। इतना पागलपन किसी को बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। स्विंग झटक, अरे यार अभी बीमार नहीं बनाना है यार। हेलो 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 बाबा जी। हाँ बोलो। बस बाबा जी, आपने कहा था कि ये मेरे बेटे पर शनि का दोष है। शनिवार को व्रत रखा, तिल और तेल भी चढ़ाए, फिर भी ये फेल हो गया। वत्स, तुम समझे नहीं, मैंने कहा था तुम्हारे पुत्र पर शनि का दोष है। शनि का मतलब? अरे मैं मतलब समझा रहा हूँ पापा का। तो वीडियो के टाइटल से को पता चल गया होगा हम लोग बात किसी के बारे में करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं नेचर की सिमेट्रीज के बारे में। और खास बात, अगर आपको साइंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानना है तो हमारे चैनल को मुझे सुनना ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सिमेट्री का ओरिजिनेशन हुआ है लैटिन वर्ड सिमेट्रिया से, जिसका मतलब होता है मेजर करना। मैथमेटिक्स में सिमेट्री का इतना रोल होता है कि वो चीज़ों को इक्वल तरीके से बांट सके, पर फिजिक्स में इस टर्म का मतलब थोड़ा 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 बहुत चेंज हो जाता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी फिजिकल लॉ की सिमेट्री लॉ के चेंज होने से नहीं बदलती। इस कंडीशन को कहा जाता है इनवेरिएंट। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी भी रूम में अगर ऑब्जर्वेशन की पोजीशन बदलने से जिस लॉ की सिमेट्री नहीं बदलती, उन फिजिकल लॉस को इनवेरिएंट कहा जाता है। जैसे कि उस रूम का टेम्परेचर। वैसे फिजिक्स में टू टाइप्स की सिमेट्री होती है। नंबर वन, कॉन्टीन्यूअस। ऐसी सिमेट्री जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन के चेंज होने पर भी नहीं बदलती, जैसे कि ये स्फीयर और स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम, या फिर आपकी एक्स का एटीट्यूड। भाई को चाहिए अटेंशन, भाई को करनी शादी। इन सिमेट्रीज को फॉलो करने वाली चीज़ों को एक क्लास में रखा जाता है, जिसे कहा जाता है स्पेस टाइम सिमेट्री। नंबर टू, डिस्क्रीट सिमेट्री। ये ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर सिमेट्रिकल होता है पर दूसरे पॉइंट पर नहीं, जैसे कि ये चेहरा। अभी ये चेहरा कहीं से सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है, हटाई चेहरे को। जैसे कि ये चेहरा एक पॉइंट पर सिमेट्रिकल है पर हर तरफ से नहीं, या फिर ये ताजमहल जो एक तरफ से सिमेट्रिकल है पर दूसरे तरफ से नहीं। ज़्यादातर फिजिकल लॉस डिस्क्रीट सिमेट्री को फॉलो करते हैं। बेसिकली फिजिक्स में हम लोग तीन नेचुरल सिमेट्रीज देखते हैं। पहला, चार्ज सिमेट्री। हमने एक ऐसा यूनिवर्स डिसाइड किया है जहां पर पार्टिकल के चार्ज के अपोजिट पार्टिकल को ज़ूम किया गया और उसका नाम रखा गया एंटी पार्टिकल, और रियल में उसका नाम पड़ा एंटी मैटर। एंटी का मैटर, एंटी मैटर, एंटी मैटर। नंबर टू, पैरिटी सिमेट्री। इस सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का एक मिरर यूनिवर्स है जहाँ के डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे यूनिवर्स के डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स के जस्ट अपोजिट होंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हम अपने आप को आईने में देखते हैं। फिलहाल हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। नंबर थ्री, टाइम रिवर्सल की सिमेट्री। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकने और कैच करने के मोशन को रिकॉर्ड करें और उस रिकॉर्डिंग को रिवर्स में प्ले करें तो हमें कोई चेंज नहीं दिखता। टाइम रिवर्सल सिमेट्री का ये मानना है कि अगर हम टाइम और एंट्रोपी को रिवर्स भी कर दें तब भी फिजिक्स के कंजर्वेशन लॉस नहीं बदलेंगे। पर थर्मोडायनेमिक्स माने तो इनवर्स एंट्रोपी पॉसिबल नहीं है, यानी टाइम रिवर्सल सिमेट्री भी पॉसिबल नहीं है। अब जानते हैं कि हमें सिमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली इन सिमेट्रीज को इसलिए बनाया गया कि ये हमारे फिजिक्स के कंजर्वेशन लॉस को फॉलो कर सकें। फिजिक्स के कंजर्वेशन लॉस जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन, स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन, ये सारे लॉस सिमेट्री को फॉलो करते हैं। पर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में कंजर्वेशन के लॉस सिमेट्री को फॉलो नहीं करते। अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमारे यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, पर कॉस्मोलॉजिकल रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यूनिवर्स एक्सपैंड होने की वजह से सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसके वजह से फोटोन की एनर्जी ड्रॉप होती है। इक्वेशन में फोटोन की एनर्जी ऐसे गिरती है जैसे इस देश की जीडीपी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो फोटोन की एनर्जी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्यों कंजर्व नहीं रहती, इसका एक्सप्लेनेशन दो साइंटिस्ट फ्लेक्स केलिन और डेविड हर्बर्ट ने मैथमेटिशियन एमी नोथर के साथ मिलकर एक थ्योरम में दिया, जहां उन्होंने ये बताया कि कंजर्वेशनल लॉ सिमेट्री को फॉलो करते हैं पर एक वैलिड केस तक। इस थ्योरम का नाम था एमी नोथर थ्योरम। अम्मी का थ्योरम, एमी एमी। उन्होंने ये भी बताया कि यूनिवर्स कम से कम एनर्जी लॉस करके एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं सिमेट्री बेकिंग के बारे में।
एक्चुअली सिमेट्री बेकिंग टर्म को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि कंजर्वेशन लॉज ही सिमेट्री को फॉलो करते हैं, उनमें रहने वाले सिस्टम नहीं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सिमेट्रिकल सिस्टम पर बॉल रखी हुई है और ये सिमेट्री को अभी तक फॉलो कर रही है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब यही है कि इसका चांस दोनों में से किसी एक तरफ गिरने का होगा। भले ही हिल अभी तक सिमेट्रिक है, पर एक्सपेरिमेंट के फाइनल कंडीशन में सिमेट्रिकल नहीं होती है, यानी सिस्टम ने अपनी सिमेट्री एक पॉइंट पर ब्रेक कर दी। तो सीधी सीधी भाषा में कोई भी चीज़ें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों हो सकती हैं किसी एक पॉइंट पर। ये थी वीडियो नेचर उसके सिमेट्रीज के ऊपर। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हुई हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर। मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी IIT JEE का पेपर है। पर पढ़ाई तो कुछ की नहीं मोटा भाई। अरे पढ़ने क्या जरूरत है, मेरा स्टडी मटेरियल तो पहले से रेडी। कहाँ? ये देख, तुक्का मारने का सही तरीका 100% गारंटी। तो फिर बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। आ गया तुक्का का बाप, 101% श्योर। कॉन्फिडेंस देख रहे हो चाचा का, कत्ताई चप्पल फाड़ के ऊपर जा रहा। अरे यार इसको डिलीट कर दो, नहीं तो मेरे घर वाले सोचेंगे कि लौंडा उनका बर्बाद हो गया। सनी का चक्कर बाबू भैया, सनी का चक्कर।